महंगे सामान पर हाथ साफ करने वाले चोरों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी अंडरगार्मेंट्स चोरी करने वाले चोरों के बारे में सुना है? उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अजीब मामले में दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो महिलाओं के अंडरगार्मेंट्स चुराते थे। अंडरगार्मेंट्स चोरी करने के इस मामले का वीडियो भी पुलिस को मिला है। वीडियो में दोनों युवकों को अंडरगार्मेंट्स चुराते और फिर अपनी स्कूटी से भागते हुए देखा जा सकता है। सदर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इन युवकों के नाम मोहम्मद रोमन और मोहम्मद अब्दुल हैं। पूछताछ में दोनों ने कहा है कि उन्होंने केवल मनोरंजन के लिए अंडरगार्मेंट्स चुराए थे। अब पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 389 और 509 के तहत मामला दर्ज किया है। 4 मार्च को संजय चौधरी ने सदर बाजार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने दो लोगों को घर के बाहर सुखाने के लिए डाले गए अपनी नाबालिग बेटी के अंडरगार्मेंट्स चोरी करते देखा है और इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों में गुस्सा भड़क गया। कई लोगों ने ये संदेह भी जताया कि महिला के अंडरगार्मेंट्स चोरी करने के पीछे की वजह रहस्यमय या काले जादू जैसे कारण भी हो सकते हैं। इसके बाद ट्विटर पर हैशटैग पैंटी चोर अब्दुल भी ट्रेंड होने लगा। इसके बाद सोशल मीडिया साइट पर मामले को लेकर ढेर सारे मीम्स भी शेयर किए गए। युवती के अंडरगार्मेंट्स चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि दो युवक सफेद रंग की स्कूटी में आते हैं। एक शख्स स्कूटी से उतरकर आगे की तरफ चला जाता है और दूसरा स्कूटी लेकर थोड़ा आगे की तरफ बढ़कर एक घर के सामने खड़ा होता है। फिर स्कूटी की डिक्की खोलकर आगे बढ़कर जल्दी से तार पर सूख रहे युवती के अंडरगार्मेंट्स उतारकर डिक्की में रखकर फरार हो जाता है। लड़कियों के कपड़े चोरी करने वाले गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वो किस कारण से लड़कियों के अंडरगार्मेंट्स की चोरी करते थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की है, जिसमें कई बातों का खुलासा हुआ है। उसने बताया कि वो किस वजह से लड़कियों के अंडरगार्मेंट्स चोरी करते थे। उसने ये भी बताया कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। पुलिस उसके दूसरे साथियों की भी तलाश कर रही है। आपको बताते हैं कि ये खुलासा हुआ कैसे। दरअसल इस गैंग का सदर बाजार के व्यापारियों ने रविवार को थाने में हंगामा कर लड़कियों के अंडरगार्मेंट्स चोरी होने की वीडियो फुटेज पुलिस को सौंपी थी। उनका आरोप था कि सदर बाजार एरिया में बाइक सवार लड़कियों के कपड़े चोरी कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सोतीगंज के एक आरोपी रोमिन को गिरफ्तार कर लिया। उसका साथी अक्काश अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। थाना प्रभारी सदर बाजार विजेंद्र राणा ने बताया कि पूछताछ में आरोपित ने कहा कि कामुकता के लिए लड़कियों के अंडरगार्मेंट्स चोरी करते थे। अब तक करीब 10 से ज्यादा लड़कियों के कपड़े चोरी कर चुके हैं। उनके कब्जे से लड़कियों के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस फरार साथी की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि लड़कियों के अंडरगार्मेंट्स चोरी करने के मामले में और लोगों के जुड़े होने की आशंका जाहिर की जा रही है, तलाश की जाएगी। लेकिन उससे पहले आरोपियों के दूसरे साथी की तलाश के बाद पूछताछ की जाएगी। अब बात ऐसी है, चोरी चकारी को लेकर आज तक कई अजीबोगरीब मामलों के बारे में आपने पढ़ा और सुना है। चोर भी वही चीजें चुराता है जो कीमती हो, लेकिन आपने कभी किसी ऐसे चोरों को देखा नहीं होगा जो महिलाओं के अंडरगार्मेंट्स चुराते हैं। और इस अजीबोगरीब मामले के चर्चा में आते ही एक पल को चोर भी भौचक्के और शायद शर्मसार हुए होंगे।